Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the infinite knowledge hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh. Let's discuss Human Eye, Part 3, Class 10th. In the previous videos, what we have seen, eye defects kya hote hain, eye ka structure kaisa hota hai, right? Myopia, hypermetropia, kaise far point pass mein shift hota hai, to myopia hota hai, near point door shift hota hai, to hypermetropia hota hai. And we have already discussed what is presbyopia, astigmatism and cataract. Uske baad humne dekha tha, what is dispersion? Ye kya kehlata hai? Dispersion. Scattering of white light, in different colors. White light एक colored form में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. सिंगल वाइट लाइट स्कैटर्स इनटू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स, कलर लाइट्स यू कैन से. तो यहाँ पे हम विबग्योर बोलते हैं इसको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट. तो हमने यहाँ बात भी की थी विबग्योर, इन विबग्योर वॉयलेट बैंड्स द मोस्ट एंड रेड बैंड्स द लीस्ट. इसलिए रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है. अब आप कहेंगे व्हाट इज वेवलेंथ. वेव जब अपना एक साइकिल पूरा करती है तो जितना वो डिस्टेंस चलती है वो कहलाता है उसका वेवलेंथ. इन द हाई क्लासेस यू विल गेट टू नो अबाउट दिस मोर. व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ऑलरेडी बता चुके हैं हम, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कलर ऑफ वेवलेंथ, एक ही कलर की वेवलेंथ हो वो कहलाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट. जैसे सोडियम लाइट एग्जांपल, एक ही वेवलेंथ का कलर हो जिसमें, वो है क्या? मोनोक्रोमेटिक. व्हाट इज पॉलीक्रोमेटिक? लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू कलर्स और वेवलेंथ इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक. एग्जाम्पल वाइट लाइट, बिकॉज वी नो इट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट क्या है? न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म, देखो इतना पार्ट हम देख चुके हैं कि एक प्रिज्म रखेंगे तो ये इस तरह से होता है, और अगर आप इसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें और इन सब को पास करें तो अगेन यू विल गेट अ वाइट लाइट. यहाँ भी वाइट लाइट है, यहाँ भी वाइट लाइट है. कहने का मतलब क्या है? अगर हम एक प्रिज्म को विबग्योर के आगे वापस प्लेस करें इन्वर्टेड पोजीशन में और उससे वापस वो कलर्ड लाइट्स पास करें तो अगेन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन सारे लाइट्स कंबाइन होकर हमें क्या रिजल्ट देंगे? वाइट लाइट. Newton found that when an inverted prism is placed in the path of dispersed light, then after passing through the prism, second one, they recombine to form white light. फिर से हमें white light मिल जाएगी, right? This is called recombination of white light. Newton was the first who obtained the spectrum. Spectrum means स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट इन डिफरेंट कलर्स, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन को. ही वॉज द फर्स्ट वन हु ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाई यूजिंग ग्लास प्रिज्म. ही ट्राइड टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाई यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स. क्या किया उन्होंने? एक और प्रिज्म यूज़ किया, बट वो इन्वर्टेड यूज़ किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो गया. ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेकेंड प्रिज्म इन inverted position with respect to first one.
इट अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू सेकेंड प्रिज्म. ही फाउंड वाइट लाइट इमर्जेस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म. ही कंक्लूडेड दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स ओनली. सनलाइट जो है उन्होंने कहा, अच्छा एक प्रिज्म से मैंने पास किया, ये वाइट लाइट 7 में बिखर गई, एक और प्रिज्म से पास करूं तो ये 7 के ज़्यादा कलर्स भी मिल सकते हैं. बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ. जब उनको रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, प्रिज्म को ऑपोजिट करके इन्वर्टेड करके देखा उन्होंने, तो उन्हें वापस पता पड़ा कि वो सब रिकम्बाइन होके वाइट लाइट देती हैं. तो अल्टीमेटली व्हाट ही कंक्लूडेड, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स ओनली. एक से बाद एक पोर डिस्पर्स करके 7 निकाली एक बार, उसके बाद उसको कितना भी डिस्पर्स करो यू कैन गेट मोर देन 7, और अगर इन्वर्टेड रखोगे तो वो रिकम्बाइन भी हो सकती हैं. ऑलराइट, सोर्स वाइट लाइट रेड टू वायलेट, यह सारा शोनी किया है, और इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो वापस हमें क्या मिल गया, वाइट लाइट. डिस्पर्शन कॉज्ड बाय प्रिज्म 1. प्रिज्म 1 तो डिस्पर्शन बनाता है, और सेकंड क्या कर रहा है, उसको रिकम्बाइन कर रहा है. फर्स्ट डिस्पर्शन कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में, और सेकंड डिफरेंट कलर्स वाले वाइट लाइट, डिफरेंट कलर्स वाले लाइट को वाइट लाइट में चेंज कर रहा है, मतलब रिकम्बाइन कर रहा है. तो ये कहलाता है डिस्पर्शन, और वो कहलाता है रिकॉम्बिनेशन. रेनबो, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर. कोई प्रिज्म नहीं रखा हमने, ऑटोमेटिकली नेचर में अगर जब स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड रेनबो. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट. बाय होम? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म, और वो पास होती हुई सनलाइट को डिस्पर्स कर देती हैं. ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो क्या कहते हैं, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट मतलब उसका पाथ चेंज करती हैं, एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली, और उसके बाद उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, उल्टा भेजती है, एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन, रिफ्रैक्शन फिर रिफ्लेक्शन फिर रिफ्रैक्शन. राइट, वेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आइज. राइट, यहाँ देख सकते हैं आप, रेड कलर्स अपीयर ऑन द टॉप एंड वायलेट एट द बॉटम ऑफ द रेनबो. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन. दिस इज इम्पॉर्टेंट. रेनबो हर समय कहाँ बनता है, देखो इधर, यहाँ से सनलाइट आई, ये इंसिडेंट सनलाइट है, सनलाइट आ रही है, उसके बाद सनलाइट यहाँ से बी पॉइंट पे गई रिफ्रैक्ट होके. यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन मन अंदर वो रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पे आने के बाद बाहर आ जाती है ये, और इसका एक्सटेंशन लिया हमने पीछे. ऐसी जो दूसरी रे थी उसका भी पहले इसका भी रिफ्रैक्शन हुआ, इसका भी रिफ्रैक्शन हुआ, और जस्ट अ सेक, और ये वाली और ये वाली दोनों क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होना. पहले रिफ्लेक्शन हुआ, वहाँ जाके इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये वापस आ गई, रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस आ गई, और इनके जो एक्सटेंशन थे वो आगे जाके मिले, और हमें क्या मिला, रेनबो. एंड रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन.
रेनबो इधर बनाए सन इधर होगा, राइट? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फर्स्टली ए पॉइंट पे तो क्या हुआ, सबसे पहले आप ध्यान दे सकते हैं, व्हाट हैपेंड ए पॉइंट ए, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन। उसके बाद पॉइंट बी पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, पॉइंट सी पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस अगेन, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रेनबो मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर जब रिफ्रैक्शन करता है, क्यों करता है, क्योंकि एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। क्या बोला हमने, ये देखो सन रेज अंदर आ रही हैं, सन से लाइट आई, यहाँ अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, यहाँ कहीं सरफेस है, तो यहाँ तक आते आते क्या हो जाता है, कैन यू सी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज है सबकी, रो वन रो टू रो थ्री रो फोर, ये डेंसिटी मास डेंसिटी भी डिफरेंट है और ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब म्यू, म्यू भी डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट म्यू के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता रहता है, तो ड्यू टू साइमल्टेनियस एक के बाद एक रिफ्रैक्शन के कारण, ये किसने किया रिफ्रैक्शन, अर्थ की जो लेयर्स हैं उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग था, म्यू की वैल्यू अलग अलग थी, इसलिए कंटिन्यूस क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एंड इट इज कॉल्ड एज एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, अब वो कॉन्सिक्वेंस देखते हैं इसके। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है, अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजिशन, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। क्या कहना चाहते हैं समझे, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी, वही बात कर रहा है हमने बताया, डेंसिटी डिफरेंट होती है, ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप्स वेरिंग, हर लेयर का टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग होते हैं, hence we have different medium, so distant star, कोई दूर का कोई स्टार है वो तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करता है, यहाँ से बहुत दूर है तो एक छोटा सा दिखाई देगा पॉइंट सोर्स। When the starlight, जब उस स्टार से लाइट एंटर होती है कहाँ पर, अर्थ के एटमोसफियर में, इट अंडर गोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन होगा ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बताया था हमने डेंसिटी के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये लाइट चैप्टर में हम देख चुके हैं, रेयर टू डेंस जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंस टू रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ड्यू टू दिस एपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, द स्टार अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, ठीक है, चाहे हेवनली बॉडीज कोई भी हों उनकी एक्चुअल पोजिशन और एपरेंट पोजिशन हमें नेकेड आई से अलग अलग दिखती है, हमें जो दिख रही है वो अलग होगी लेकिन उसकी रियल पोजिशन कुछ डिफरेंट होगी, तो हमें जो दिख रही है वो थोड़ा हायर दिखेगी, उसकी एक्चुअल पोजिशन यहाँ होगी और अपरेंट पोजिशन यहाँ होगी, एक्चुअल अपरेंट, अपरेंट मीन्स जो हमें दिख रही है, हमें अपीयर हो रही है, ड्यू टू वॉट, हमारे आईज तक जिस एंगल पर लाइट आई है हम तो उसी एंगल पर वापस देख पाएंगे, तो वो अगर एंगल ट्रेस करेंगे तो वो एक हायर वैल्यू होगी और एक्चुअल चीज नीचे रखी होगी। इसके और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो सर्दियों में हम गर्म पानी करते हैं या सर्दियों में ठंडा पानी है, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बकेट है, बड़ी बकेट के अंदर मग रखा हुआ है और पानी बहुत ठंडा है, फिर हम हिम्मत जुटाते हैं कि ठंडे पानी में कैसे हाथ डालें, तो व्हाट डू वी डू, हम कोशिश करते हैं कि बस इतना सा हाथ डालूंगा, सम वॉट अराउंड दिस एंड आई विल गेट द मग,
बट मैनी अ टाइम्स उस मग को पकड़ने के लिए हम जो हाथ नहीं बाहर निकलते तो इतना हाथ डालना पड़ा था हमें। तो ये एग्जाम्पल क्यों बताया मैंने, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। वहाँ क्या हो रहा है, मग से जो लाइट बाहर आ रही है, मग क्यों दिखाई दे रहा है, वो लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है। वहाँ से जो लाइट आ रही है वो जब अपना मीडियम चेंज करती है, वाटर से एयर में आती है, तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन मीन्स पाथ चेंज होता है। उस रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे आइज तक जो वो आ रही है उसकी वजह से हमें तो ऊपर दिखाई देती है, थोड़ा सा रेज दिखाई देता है, कौन मग, लेकिन एक्चुअल पोजिशन उसकी कहाँ है, नीचे है। आई होप यू अंडरस्टूड। इस तरह से आप किसी ग्लास में देख सकते हैं, ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ग्लास के अंदर अगर नींबू डाल रखा है, पूरा पानी से भरा हुआ कांच का ग्लास, उसके अंदर अगर नींबू डाला हुआ है तो आपको रेज दिखाई देगा, जबकि एक्चुअली साइड से देखोगे आप तो काफ़ी नीचे दिखाई देगा। तो ये एग्जाम्पल्स है बेटा रिफ्रैक्शन के। तो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, स्टार पोजिशन अलग दिखाई देती है, हेवनली बॉडीज जितने भी हैं उनकी पोजिशन क्या दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट। यू कैन सी हियर एक्चुअल पोजिशन, अपरेंट पोजिशन। एक्चुअली यहाँ था लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ दिखाई दे, हमारी आइज तक तो इस एंगल पे आई, हम उसी को ट्रेस बैक करते हैं और अपरेंट पोजिशन अलग दिखाई देती है। और एटमॉस्फेयर लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, जैसे ऊपर जाओगे म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब ऊपर वाली लेयर तो क्या हो रही है, रेयर मीडियम, और नीचे वाली क्या हो रही है, डेंसर मीडियम, राइट। इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो सीन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, कोई दूर एक स्टार है, बहुत दूर है हमसे, वो अपनी लाइट कंटिन्यूसली भेज रहा है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्शन के कारण एक पॉइंट सोर्स की तो दिखता है, बहुत दूर है इसलिए पॉइंट सोर्स, रिफ्रैक्शन के कारण वो लाइट हमें एक पल के लिए दिखाई देती है, एक पल के लिए दिखाई नहीं देती, और हमें लगता है कि वो स्टार ट्विंकल कर रहा है, बट एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं कर रहा, वो तो लाइट कंटिन्यूसली भेज रहा है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस वी आर नॉट एबल टू सी इट कंटिन्यूसली बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसलिए बहुत दूर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और वो पॉइंट की तरह दिखाई दे रहा था, कभी दिखाई देता है, कभी नहीं देता, कभी देता है, कभी नहीं देता, तो हमें लगता है वो ट्विंकल कर रहा है, कभी वो बोलता है, कभी नहीं बोलता, मतलब कभी वो झपक रहा है, कभी नहीं झपकता, कभी झपक रहा है, कभी नहीं झपकता। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑल्सो अपीयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन देख लें आप, अ स्टार्स अपीयर्स स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन इन द स्काई। तो क्या बोला, द ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिंग कंडीशन कॉजेज व्हाट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन स्टार लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट गेट्स रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूअसली, हायर लेवल ऑफ द एयर एक्ट्स एज रेयरर मीडियम, बताया था अभी, वाइल द डेंस एयर नियर द सरफेस, सरफेस के पास डेंसर, ऊपर रेयरर, एक्ट्स एज डेंसर मीडियम, सो द एटमॉस्फेयर बैंड्स द स्टार लाइट, इट बैंड्स द स्टार लाइट टूवर्ड्स द अस, ऐसे आ रही थी ऐसे बैंड कर देता है, फिर हम उसी को ट्रेस बैक करेंगे तो हमें ऊपर दिखाई देगा। देखो यहाँ से एक्चुअली चीज़ है, एक्चुअली चीज़ की लाइट ऐसे जा रही है, जैसे अंदर गई यहाँ बैंड हुई ऐसे गई, अब इंसान तो उसी को ट्रेस बैक करके वहाँ पर देखेगा तो उसको कहाँ दिखाई देगा, अपरेंट पोजिशन अलग दिखाई देगी और एक्चुअल पोजिशन अलग होगी। आई होप यू गॉट इट। एज अ रिजल्ट द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन, दस द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग इन द लोअर डायरेक्शन, ऊपर म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नीचे ज़्यादा है, उसकी वजह से एक्चुअल पोजिशन और अपेरेंट पोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है। तो डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये भी बता चुके हैं, एज द स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ,
The apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. As the amount of light enters our eyes fluctuates, that's why we called twinkling effect of stars. But they actually don't twinkle. Why do planets do not twinkle? Chalo, stars to twinkle karte hain. Kyunki stars humse bahut dur hain. They appear as point object. That's why they are twinkling. But why do planets do not twinkle? Planets twinkle kyun nahi karte? Planets are closer to the earth in comparison to stars. So they are seen as extended source of light. Ek bada source dikhai dete hain. Bada source matlab collection of large number of point sources. To ab dekho. Yahan ek point source ho. Uski light aane wali thi kahin. Bend hoke. तो वो कभी ट्विंकल हो सकती है, कभी ट्विंकल नहीं हो सकती है रिफ्रैक्शन के कारण. लेकिन ऐसे ही कलेक्शन का एक कॉम्बिनेशन हो और वो अगर कहीं पे बैंड होके पहुंच रहा है, तो इनमें से हो सकता है कभी किसी की लाइट ना पहुंचे, कभी किसी ना पहुंचे, बट एवरेज एवरेज लाइट तो पहुंचेगी ना. इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं. तो देखें, प्लैनेट्स आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मींस कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्सेस. देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम द ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स विल नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट. मतलब एवरेज, समझ रहे हो? तो एवरेज की वजह से एवरेज लाइट पहुंचती है, इसलिए ट्विंकलिंग नहीं होती. यहाँ एवरेज लाइट नहीं, एक ही है बेचारा, इसलिए ट्विंकलिंग दिखाई देती है. आई बी अंडरस्टूड गाइस? व्हाई ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ. अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा दिन जो है वो 4 मिनट पहले ढल जाता. Actual sunrise happens when it is below the horizon. The rays of light from the sun below the horizon reach our eyes because of refraction of light. Horizon एक level है, जिस level पे हम हैं उस level से जैसे ही turn करेगा वहाँ horizon कहलाता है. तो the rays of light from the sun below the horizon reach our eyes because of refraction. रिफ्रैक्शन की रेज ऊपर जानी चाहिए, हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बट रिफ्रैक्शन की वजह से वो रेज हम तक पहुंचती है और हमें लगता है सवेरा हो गया. सिमिलरली सन कैन बी सीन अबाउट फ्यू मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. दस द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम विल इंक्रीज बाय 4 मिनट्स. हम क्या कहेंगे? सन राइज होने से पहले ही हमें दिखाई दे रहा है और सनसेट होने के बाद तक हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है दिन की ड्यूरेशन 4 मिनट बढ़ गई है. But actually that's not the case. This is due to what? Atmospheric refraction. Because of this, sun is visible 2 minutes earlier. उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है and many a times ढलने के 2 मिनट बाद तक दिख रहा होता है. Then actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. इसलिए net हम कितना मान लेते हैं? 4 मिनट बढ़ के मान लेते हैं. देखो, इसका एक example देता हूँ. मेरे साथ जो हुआ वो बता रहा हूँ. एक बार क्या हुआ, लाइक आई वोक अप अर्ली और कहीं टेरेस पे बैठे थे एंड आई रियलाइज सडनली कि अच्छा इतने बजे सूरज आया है. और उस समय शायद घड़ी पहन रखी थी मैंने, तो लाइक आई वॉज अवेयर कि अच्छा अपने को सनराइज या सनलाइट इतने बजे दिख रही है, तो मतलब सनराइज हो गया है. एंड ऑन दैट डे लकीली आई फाउंड अ न्यूज़पेपर. उस न्यूज़पेपर में देखा जो सूर्यास्त और सूर्योदय का टाइम होता है ना, तो सूर्योदय वॉज नॉट मैचिंग. तो आई थॉट दीज पीपल आर इडियट्स, ऐसा लगा. उसमें फ़र्क था कम से कम 2-2.5 मिनट का या 1.5 मिनट का, बट एटलीस्ट आई एम अर्लियर. तो आई थॉट दे डोंट हैव एनी गुड कैलकुलेशन, आई हैव अ गुड कैलकुलेशन. एंड
रिपीटेड हुआ ये दो चीज दो चार बार, फिर मैंने कहा पता नहीं अखबार वालों के आए थे, हर समय दो मिनट लेट ही लिखेंगे, बट दे आर नॉट रॉन्ग। ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। हम अगर जाके चेक करेंगे ना, वहाँ सूर्योदय का टाइम देखते हैं या वो बाद में देखेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि इतने बजे हुआ एग्जैक्ट, ओके डन, हमने नोटिफाई कर लिया। और जब हम न्यूज़पेपर में चेक करेंगे ना, देर वुड बी सम डिफरेंस। एक्चुअल सनराइज नहीं था, वो रिफ्लेक्शन के कारण हमें दो मिनट पहले दिखाई देता है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। और सनसेट अगर बताएंगे ना कि इतने बजे हो जाता है, उसके बाद में भी आपको लगेगा कि सन दिख रहा है आपको, तो गधे हैं, सनसेट बोल दिया अभी तक सन तो दिख रहा है। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, इतना फर्क क्रिएट हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑलराइट, फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क एज द सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यही देखो, ये एक्चुअल सन है यहाँ पे, ये होराइजन है आपका लेवल। यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट जो जा रही है वो जैसे एटमॉस्फेयर में पहुँचेगी वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन पे आ रही है। अब आपको तो इस डायरेक्शन पे आई तो आप तो उसी को फॉलो करोगे, और आपको अपरेंट पोजीशन जो सन की है वो दिखाई देगी, बट सन इज़ नॉट एक्चुअली देयर, सन इज़ एक्चुअली डाउन साइड, डाउन द होराइजन, बट इट इज सीमिंग अपीयर्ड एज अबव। ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का खेल। ऑलराइट, खेल मतलब उसने सोचा नहीं था कि आपके साथ खेल खेलेगा, बट ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द लेयर्स हमें ऐसा दिखाई देता है। आई बी अंडरस्टूड। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग टू रेली, नेम ऑफ साइंटिस्ट, रेलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग, द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज लैम्डा टू द पावर 4। स्कैटरिंग लॉ ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, प्रोपोर्शनल टू, ये है राइट। वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो स्कैटरिंग डिक्रीज होगी। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके बाद दो मिनट रुको, देखो टिंडल इफेक्ट क्या है, मैं समझाता हूँ। कभी आपने देखा संडे के दिन या किसी छुट्टी वाले दिन विंडो से अगर धूप आ रही है तो धूप का जो पैसेज है, एक पैसेज होगा लाइट का, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी लाइट है लेकिन एक्चुअल सन लाइट हमें यहाँ एक पैसेज में दिखाई दे रही है, उस पैसेज में अगर आप नोटिफाई करोगे आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। कितनी गंदगी, कितनी धूल उड़ रही है, तो क्या धूल उस लेयर में या उस बीम में उड़ रही है? क्या समझाया मैंने, उस बीम में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपको विजिबल है, डस्ट के या धूल के जो भी, या एटमॉस्फेयर के, कुछ बड़े कुछ छोटे पार्टिकल्स विजिबल है, बट यहाँ विजिबल क्यों नहीं, उसी बीम में या उसी पाथ में विजिबल क्यों है? इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि लाइट जब आके टकराती है किसी बीम से या पार्टिकल से तो उससे टकराने की वजह से वो विजिबल होते हैं। देखें, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, बताया ना, एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर, द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। उसी की वजह से अर्थ की वो सनलाइट जो थी उसका पाथ हमें क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग करना मतलब, स्कैटर करना मतलब, अच्छा तू मुझसे आके टकराए, मैं तेरे को दिखाऊंगा कि तू क्या है, तो आके टकराने की वजह से वो विजिबल हो जाती है। ऑलराइट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव राइज टू व्हाट इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, और द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। क्या कलर आएगा वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज कितनी है, उस पर वेरिएबिलिटी दिखाएगी कौन, लाइट, कौन पार्टिकल स्कैटर कर रहा है उसके हिसाब से लाइट का कलर अलग अलग दिखाई
देगा। वेरी फाइन पार्टिकल्स होंगे तो दे स्कैटर मेनली व्हाट कलर? ब्लू कलर, मतलब जिसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ। उससे थोड़े से बड़े पार्टिकल होंगे लॉन्गर वेवलेंथ को, मतलब रेड कलर को। वेरी लार्ज होंगे वो वाइट लाइट ही दिखाएंगे। दैट्स व्हाई कभी कभी तो सन ब्लू दिखाई देता है, कभी रेड दिखाई देता है। तो जब वो ब्लू दिखाई दे रहा है तो वेरी फाइन पार्टिकल्स उसको स्कैटर कर रहे हैं, जब वो रेड दिखाई दे रहा है तो लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, और जब वो वाइट ही दिखाई दे रहा है तो बहुत लार्ज पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, इसलिए वाइट दिखाई दे रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैपन्स एट सनराइज एंड सनसेट। क्यों? होराइजन से जब लाइट आती है ना तो ऐसे ही बहुत दूर से आ रही है, तो इट इज़ स्कैटर्ड बाय लार्ज साइज पार्टिकल्स, इसलिए वो रेड दिखाई देती है। मेनली कभी कभी सन हमें ब्लू दिखाई देता है तो उस समय क्या है, या आसमान ब्लू दिखाई देता है तो बहुत फाइन पार्टिकल्स की वजह से हो रहा है, और जब बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है तो इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ड्यू टू वेरी लार्ज पार्टिकल्स। तो देखिए कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट की बात करते हैं। वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड सराउंडिंग्स अपीयर व्हाट? रेड, अभी बताया था। ड्यूरिंग दिस द सन इज नियर टू होराइजन एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल व्हाट? लार्ज डिस्टेंसेज इन द एटमॉस्फेयर, वहां से आने तक बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट, उसमें से बहुत सा जो ब्लू लाइट था शॉर्टर वेवलेंथ था वो स्कैटर्ड अवे, भगा दिया गया। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब रेड कलर, रीचेज आवर आइज, दिस इज व्हाई सन अपीयर्स रेड इन कलर। होराइजन से आते हुए तो ब्लू को भगा देते हैं इसलिए रेड दिखाई दे रहा है। इसीलिए डेंजर सिग्नल्स और साइन आर मेड अप ऑफ व्हाट कलर? रेड कलर ऑलवेज। Why? Red color has highest wavelength. So red color scatters the most when strikes the small particles of fog and smoke because it has maximum wavelength. Hence from large distance also we can see the red color clearly. Therefore danger signals kiske bante hain? रेड कलर के बनते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक देम लाइटली। एट नून रेड भी बताया, रेड भी बताया, और अब दिन की बात कर रहे हैं। दिन में सन अपीयर्स वाइट, सब कुछ वाइट से दिखता है, सुबह रेड था अभी वाइट क्यों है? एट नून द सन इज ओवरहेड, बिल्कुल जस्ट ऊपर है, एंड सनलाइट वुड ट्रेवल व्हाट? शॉर्टर डिस्टेंस relatively, hence at noon the sun appears white as only little of the blue and violet colors are scattered. उसमें ब्लू कलर भी प्रेजेंट है, हर एक तरह का कलर प्रेजेंट है, इसलिए वो कैसे दिख रहा है, वाइट लाइट दिख रहा है, कुछ भी स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो देखो सन नियर होराइजन जब होगा ना, लाइट ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस एटमोसफियर, ब्लू इज स्कैटर्ड अवे, सन अपियर्स रेडिश in the early morning or evening. During afternoon less blue is scattered, kam blue ko bhagaya gaya hai, light travels straight distance, hence observer ko kaisa dikhai deta hai, whitish. I hope you understood me. Dispersion dekh hi chuke hain, violet vibgyor, rainbow is formed due to dispersion. Atmospheric reflection kya hota hai? Is the cause of twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset. ये पूछा जाता है कि atmosphere reflection causes what? Twinkling of stars. Atmosphere reflection मतलब हमारे layers में जो density का या refractive index का फ़र्क है उसकी वजह से twinkling होती है, sunrise sunset होते हैं, और scattering of light क्या करती है? Blue color of the sky दिखाई देता है और red sky देता है at sunrise and sunset. इम्पॉर्टेंट है ये दोनों बातें। ऑलराइट गाइस, आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग, समझ में आया आपको?
स्कैटरिंग क्या है, डिस्पोजन क्या है, इनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। या क्वेश्चंस ना भी आए तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज डे टू डे थिंग्स वी मस्ट नो। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन एज जैक एंड जिल अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड जैक एंड जिल अकेडमीज ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.